मुरादाबाद की श्री महाकालेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। बुधवार को दिल्ली रोड स्थित नया मुरादाबाद में श्री महाकालेश्वर मंदिर में 2 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए आचार्य धीर शांत दास अर्धमोनी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पिता परमात्मा ही संपूर्ण स्वरूप हैं, जिन्हें हम अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर प्रेम से झुलाते हैं। जिन्हें सीमित शब्दों में परिभाषित किया जा सके वो कभी भी कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण होने का अर्थ ही ये है कि जिसके लिए सारे शब्द एक उपमाएँ छोटी पड़ जाएं, जो दूसरों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करें, वही श्री कृष्ण हैं। आज के महोत्सव के मुख्य आकर्षण स्वर्ण कलश द्वारा भगवान लड्डू गोपाल का महाअभिषेक हुआ, जिसमें शासन प्रशासन गणमान्य विभूतियों संग मंदिर कमेटी ने सहभागिता की। 108 किलो दूध दही घी शहद एवं गंगाजल से श्रद्धालुओं ने पंचामृत स्नान कराया। भगवान लड्डू गोपाल का सुंदर हिंडोला दर्शन, झांकी का प्रदर्शन, कालिया नाग मान मर्दन लीला, वासुदेव द्वारा बाल कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाना, भगवान नृसिंह अवतार कार्यक्रम का शुभारंभ गौर आरती हरि एवं हरिनाम संकीर्तन से हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य कथा एवं हरिनाम संकीर्तन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में महापौर विनोद अग्रवाल, महेश चंद अग्रवाल, सुरेश चंद अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल, विपुल आदि ने सहयोग दिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ महाकालेश्वर धाम नए मुरादाबाद में आज जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आचार्य धीर शांत दास जी के द्वारा आज यहाँ कथा का प्रवचन और नरसिंह अवतार और अन्य झांकियों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल जी का दूध से दूध से शहद से अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है और 12 बजे जन्मोत्सव के उपरांत यहाँ पर आरती होगी और कल यहाँ पर 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में आज दिनांक 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर मंदिर में विभिन्न तरह की झांकी लगाई गई हैं और जो संकीर्तन का जो प्रोग्राम है वो धीर शांत जी दास द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त जो हैं भाग ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर रात को अभी 9 बजे से 12 बजे तक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो स्वर्ण कलश से किया जाएगा, और इसके बाद ही मंदिर के अंदर 11 बजे यहाँ पर आरती का प्रोग्राम और सब जितने भक्त हैं उनको प्रसाद वितरण किया जाएगा। और कल भी जो है 7 तारीख को शाम को 8 बजे से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है और जो रात को 11 बजे तक चलेगा। इसके बाद महाआरती करके प्रसाद सबको वितरित किया जाएगा, ताकि सभी भक्त लोग अपने घर पर जा कर के भगवान का जो भी है अपने घर पे भी जन्माष्टमी का उत्सव मना सकें और सबको भगवान का सब बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद, सबके घर में पुत्र की किशन जी रूप में पुत्र की उत्पत्ति हो, ऐसा मेरा विचार है। जय हिंद, जय भारत। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90,